स्पाइडरमैन और थानोस के बैटल को जानने से पहले इनकी ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज को जानना जरूरी है। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की ओरिजिन की। ओरिजिन ऑफ स्पाइडरमैन। तो कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन यानी पीटर बेंजामिन पार्कर एक 15 साल का मिडटाउन हाई स्कूल बॉय है जो कि बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो चुका है और उनके जाने के बाद पीटर को उसके अंकल और आंटी ने ही संभाला है। पीटर बचपन से इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है। एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान पीटर के हाथ पर एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर काट लेता है जिसके बाद पीटर की बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशंस और चेंजेस हो जाते हैं और उसे कुछ कमाल की सुपर पावर्स मिल जाती है। जिन पावर्स के मिलने के बाद पीटर पार्कर अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है और उसे पहनकर अपनी सिटी के क्रिमिनल्स का पाया करता है और बन जाता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन की पावर्स की बात करें तो स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन यहाँ हम उन मेजर पावर्स की बात करेंगे जिन्हें स्पाइडरमैन जनरली अपनी फाइट्स के दौरान यूज करता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि वो 30 से 40 टन तक के वेट को बड़ी इजीली लिफ्ट कर सकता है। सिविल वॉर मूवी के अंदर स्पाइडरमैन ने विंटर सोल्जर के उस हाथ को बड़ी इजीली रोक दिया था जिसे रोकने के लिए कैप्टन को अपनी शील्ड यूज करनी पड़ी थी। पर इसके भी ऊपर स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में एक बड़ी सी बस को रोक देता है और एक हैवी कार को भी लिफ्ट कर लेता है। पर हम फैंस के लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट तो तब था जब स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन 2 के अंदर अपनी स्ट्रेंथ से एक रनिंग ट्रेन को रोक दिया था और ये सीन लिटरली बहुत ही ज्यादा औसम था। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पाइडरमैन की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और इतनी टफ है कि अगर उस पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी अटैक किया जाए तब भी स्पाइडरमैन को कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला। स्पाइडरमैन ऊंची से ऊंची जगह से गिरने के बाद भी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और ऐसी इंजरीज से भी सर्वाइव कर सकता है जो इंजरीज एक नॉर्मल ह्यूमन की जान भी ले सकती है। पर अगर बात इससे भी आगे की हो तो स्पाइडरमैन इतना ड्यूरेबल है कि वो मैसिव बॉम्ब ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर सकता है। वॉल क्रॉलिंग। अब क्योंकि स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली है इसीलिए उसके पास भी स्पाइडर जैसी दीवारों पर चढ़ने और वहां चिपकने जैसी पावर्स हैं और इनकी हेल्प से स्पाइडरमैन किसी भी दीवार और बिल्डिंग पर चढ़ सकता है, वहां खड़ा हो सकता है और उन पर सीधा चल भी सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर बहुत एडवांस है इसीलिए वो अपनी किसी भी इंजरी को किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फास्टली रीजनरेट और हील कर सकता है। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन, डेडपूल और हल्क जितना फास्ट तो नहीं है लेकिन इतना फास्ट जरूर है कि उसे जल्दी से हील करके फिर से फाइट करने के लिए तैयार कर दे। पर फिर भी अभी बहुत से फैंस का ये मानना है कि अभी तक मूवीज के अंदर स्पाइडरमैन के असली हीलिंग फैक्टर को नहीं दिखाए गए और ये बात बहुत हद तक सही भी लगती है क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन मास्क मरोडर से लड़ते वक्त ब्लाइंड हो जाता है पर फिर भी वो अपनी आईज को सिर्फ 2 घंटों में ही हील कर लेता है और एक वक्त पर तो सिर्फ एक ही रात में वो अपने टूटे हुए हाथ को भी हील कर लेता है। स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस भी प्रोसेस करता है जो कि इसे किसी भी खतरे के बारे में पहले ही वॉर्न कर देती है। स्पाइडर सेंस की वजह से स्पाइडी को अपने विलन्स के आसपास होने का एहसास पहले ही हो जाता है जिसकी वजह से स्पाइडी उनको काउंटर करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। इन सब के अलावा अगर स्पाइडरमैन के साथ कुछ गलत भी होने वाला हो तब भी स्पाइडरमैन का ही स्पाइडर सेंस उस इवेंट से पहले ही स्पाइडरमैन को अलर्ट कर देता है। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। तो स्पाइडरमैन सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है बल्कि वो मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी टैकल कर सकता है और उसे हैंडल भी कर सकता है। पर इसके अलावा स्पाइडरमैन एक जीनियस और इंटेलेक्चुअल भी है। स्पाइडरमैन ने अपनी सूट को खुद ही डिजाइन किया था, अपने वेब शूटर्स को खुद ही इन्वेंट किया था और तो और उन सभी गैजेट्स को भी खुद ही डेवलप किया था जिन्हें वो यूज करता है। और यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि जब स्पाइडरमैन ने इतना सब कुछ किया तब उसकी एज सिर्फ 15 साल की थी। स्पाइडरमैन के पास इनके अलावा और भी कुछ एबिलिटीज हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस। यानी स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा फास्ट है, अपनी फाइट्स को बहुत लंबे समय तक लड़ सकता है और अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को भी डॉच कर सकता है। इनके अलावा स्पाइडरमैन एक्रोबैटिक्स में भी एक्सपर्ट है और जिमनास्टिक स्टंट जैसे फ्लिप, रोल्स और स्प्रिंग को भी बड़े आराम से परफॉर्म कर सकता है। तो अब स्पाइडरमैन की ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं वेनम की। ओरिजिन ऑफ वेनम। तो वैसे तो हमें कॉमिक्स के अंदर वेनम की कई ओरिजिन दिखाई गई है लेकिन अब क्योंकि मूवीज के अंदर हमें वेनम की ओरिजिन दिखाई जा चुकी है इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर वेनम की मूवी में दिखाई गई ओरिजिन की बात करेंगे। तो वेनम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर है जो कि सिम्बियोट रेस से बिलोंग करता है और इस क्रीचर का होम प्लेनेट है क्लिंटार। ये जो सिम्बियोट्स होते हैं इन्हें सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि ये सर्वाइव कर सके और अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली यूज कर सके। इसके साथ ही ये सिम्बियोट्स हमेशा ही अपने लिए परफेक्ट होस्ट की तलाश में लगे रहते हैं और अगर कभी इन्हें अपने करंट होस्ट से बेटर होस्ट मिलता है तो ये उस नए
नए होस्ट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और अब हम वेनम की बात करें तो उसके लिए जो परफेक्ट होस्ट है वो है एडी ब्रॉक। हालांकि परफेक्ट होस्ट के लिए यहाँ कुछ लोग फ्लैश थॉम्पसन का नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर खुद वेनम ने भी इस बात को एडमायर किया है कि एडी ब्रॉक उसके लिए एक परफेक्ट होस्ट है। तो चलिए अब वेनम की ओरिजिन को जानने के बाद, स्पाइडरमैन और वेनम इसकी पावर लेवल्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए इनके बैटल की बात करते हैं। तो जहाँ स्पाइडरमैन का कैरेक्टर सिंपल और अंडरस्टैंडिंग है, वहीं वेनम एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। इसीलिए अगर कभी स्पाइडरमैन और वेनम एक दूसरे से बैटल करते हैं तो उस बैटल के दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसमें स्पाइडरमैन अगर डायरेक्टली गार्डियन से फाइट करेगा तो वेनम उस फाइट को इजिली विन कर जाएगा। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेनम की पावर लेवल्स स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। यहाँ अगर हम दूसरे कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो इसमें अगर स्पाइडरमैन गार्डियन से बैटल करने से पहले प्रिपेयर और वेल प्लान्ड हो तो उसके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ऑसम वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में उनके टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।